जैसा कि सर्वविदित है कि आज के समय में व्यवसाय अपनी जगह है, लेकिन व्यवसाय के साथ ही यदि वह व्यवसाय समाज सेवा और समाज के स्वास्थ्य के से रिलेटेड हो तो हमें ऐसे व्यवसाय पे आने में बड़ी अनुभव की अनुभूति होती है। वास्तव में आज शारीरिक कसरत हैं या जितने भी खेल हैं जो कि हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा रहे हैं, इस फर्म के संचालक आदरणीय तुलसीराम जी ने समाज के लिए सोचा, इस क्षेत्र के लिए सोचा कि हमारे बच्चे पास ही अच्छा खेल खेलें। और ये जो प्रतिष्ठान है, मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये व्यवसायिक सोच से दूर है, काफ़ी दूर है। इस प्रतिष्ठान को खड़ा करने में कहीं ना कहीं आपकी सोच ये रही कि समाज के बच्चों को इजी खेल उपलब्ध हो। हमारे समाज के सारे ही बच्चे आदरणीय अशोक जी से काफ़ी प्रभावित हैं और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आपने इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था करीब करीब 3 सालों तक अंडर 19 टीम में। अभी भी आप बांग्लादेश क्रिकेट प्रीमियर से खेलते हैं और खेल में आप, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचे। मैं मेहमानों के स्वागत की अगली कड़ी में मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गोपाल जी मेनारिया जिनके जिम्मे इसका संचालन है, आप आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि अशोक जी मेनारिया का स्वागत करें। मेनारिया समाज के गौरव तो आप हैं, लेकिन इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बाद जो आपकी विनम्रता है, इतनी सादगी आपकी है, उस बात के हम सभी कायल हैं आपके। वास्तव में इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बाद भी इतना सादगी से अपने पूर्व मित्रों के साथ पेश आना, समाज के साथ पेश आना, जाना पहचाना है, लेकिन फिर भी यह मैं बता देना आवश्यक समझता हूँ कि जो आपकी विनम्रता है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र के अनुरूप आपने जो विनम्रता कायम रखी, पारदर्शिता कायम रखी, आज आप इस उदयपुर शहर के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से गिने जाते हैं। और निरंतर परिवार की तरफ से, हमारे किसी भी मेनर समाज के परिवार की तरफ से होता है और हम आपको याद करते हैं तो आप अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाल कर जरूर पधारते हैं। मैं मेहमानों की अगली कड़ी में आदरणीय ललित जी पानेर साहब के स्वागत के लिए आग्रह करूंगा चुन्नीलाल जी मानव साहब पधारे। आदरणीय तुलसीराम जी मेनारिया साहब, तुलसीराम जी मेनारिया साहब पधारे मंच पर, आदरणीय राम जी अग्रवाल साहब का स्वागत करें। ये आपके पक्के मित्रों में से हैं आदरणीय अग्रवाल साहब। हमारे क्षेत्र के पार्षद महोदय के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय रेखा जी। आदरणीय परशुराम तीनू जी मांडा साहब के स्वागत के लिए मैं आदरणीय दिनेश जी मानव साहब से आग्रह करूंगा। दिनेश जी मानव साहब मंच पर पधारे। हम परमपिता परमेश्वर से आग्रह प्रार्थना करते हैं कि वह जरूर आपको विजयी बनावे। विजयी बनाने के उपरांत जैसा कि हम सुन रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कि अगला पद भी आपके लिए गजुन ने। हमारे समाज के लिए काफ़ी गौरव का विषय है, उसमें आपका जो प्रयास है उसके लिए, उस प्रयास को बताऊं ऐसे शब्द मेरे पास नहीं है। करीब करीब आपने अपनी जेब से 30 लाख रुपए वहाँ खर्च कर रखे हैं और 100 से अधिक बार पिछले करीब 3 सालों में 100 से अधिक बार आपने आसावरा माता की यात्राएं की है। उस अभी भी आप वहाँ पधारने वाले हैं। आपने अपना सब कुछ समय धन ये स्पोर्ट्स एकेडमी जो खोली गई है उस समारोह में पधारे हुए अशोक जी, शांतिलाल जी या क्षेत्र की पार्षद, मेरे काका जी परशुराम जी, तीनू जी डाक साहब, राम जी अम्बालाल जी और संचालनकर्ता हमारे कर्मठ समाज के कार्यकर्ता भगवती लाल जी, और वो स्वस्थ रखने के लिए खेल की बड़ी आवश्यकता है और उस आवश्यकता के अनुसार तुलसीराम जी ने इस प्रोग्राम को जो चालू किया है, मैं तो उनको बहुत बधाई देता हूँ
कि समाज के लिए, इस क्षेत्र के वासियों के लिए, सभी बच्चों को आप आगे बढ़ाएं, शिक्षा दें, और इसकी कहीं ज़रूरत पड़े तो अशोक जी और प्रकाश जी दोनों इस विषय से जुड़े हुए हैं, इनका सान्निध्य लें, और मेरे को लगता है कि ये बराबर रहते रहेंगे। और बाकी सभी भामाशाह हैं जो भी आपका सहयोग करें, किसी क्षेत्र में जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी आगे बढ़ाएं। राजनीति में भी आप काफ़ी सक्रिय हैं, लेकिन हमें जब जब भी समाज को आपकी आवश्यकता हुई, आपने तन मन धन से समाज का पूरा सहयोग किया, एवं समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग करना आप अपने आप में अपना स्वभाव समझते हैं। हम भी आपको बहुत बहुत यहाँ से धन्यवाद एवं बधाई देते हैं, नमन करते हैं कि ऐसी शख्सियतें मेरे समाज में विद्यमान हैं। मैं वक्ता हूँ कि अगली कड़ी में आग्रह करूँगा आदरणीय परसराम जी सकावत साहब से कि संक्षिप्त में 2 शब्द हमें बताएं। और तुलसीराम जी की ओर से मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि इस नई पीढ़ी में इसकी आवश्यकता है, और आवश्यकता के अनुसार इन्होंने ये व्यवसाय किया है। इसमें मेरा कहना ही है, जो सामर्थ्य है वो तो देंगे ही, ऐसे कोई बच्चे हों जो नहीं दे पावे उनका भी आप सहयोग करें। पधारे हुए सब मेहमानों से, माता बहनों से, सबसे मेरा खाता दो निवेदन। बात को कोई निरर्थक समझ ही नहीं सकता, जैसा कि आपने सोचा वैसा ही संस्थान में होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वास्तव में जब तक हमारे समाज की प्रतिभा, क्षेत्र की प्रतिभा आगे नहीं आएगी, तब तक ये हमारा जो विकास है वो भी अपने आप में अधूरा है। हम आदरणीय मंचासीन सभी को मेरा प्रणाम, और जितने भी मेहमान लोग आए उन सबका भी मैं वेलकम करता हूँ। भाई साहब तुलसीराम जी और मेरा परिवार लगभग एक ही परिवार हम मानते हैं आपस में, और इन्होंने जो ये एकेडमी खोली है उसके लिए मैं सारे परिवार को और इस क्षेत्र के जो लोग हैं आसपास के उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि इनके कारण उन लोगों को यहाँ स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में, और जो आसपास के बच्चे हैं वो रेगुलर यहाँ के अपनी एक्टिविटीज़ पूरी कर सकें, और उसके लिए पूरे परिवार को, सबको बहुत बहुत आभार। आदरणीय सम्मानित मंच पर विराजित मेरे सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम, एवं सामने विराजित मेरे सभी वरिष्ठ एवं साथी बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। वैसे तुलसीराम जी ने परिचय दे ही दिया है, ये जो स्पोर्ट्स एकेडमी है, जो स्पोर्ट्स का जो यहाँ पर खोला है ये एकेडमी, ये निश्चित तौर पर हमारे लिए, समाज के लिए, यहाँ पर आसपास के रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबके लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है। गौरव का अनुभूति हमें प्राप्त हो रही है कि जहाँ पर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति आजकल इतनी जागरूकता आ रही है, पहले नहीं थी इतनी, तो उसी एक कड़ी में जो यहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी खोली है, ये स्पोर्ट्स एकेडमी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ साथ ही जहाँ पर मेनारिया समाज ने हमको एक गौरव दे रखा है, अशोक जी मेनारिया जिनका उदयपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में नाम हुआ है, हमारा तो यही आशा नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि ये एकेडमी खोल करके आप निश्चित ही मेनारिया समाज हमको एक और गौरव प्रदान करेंगे, जहां पर हम पूरे विश्व में, देश में अपना नाम करेंगे। तो इन्हीं सभी आशाओं के साथ आपने मुझे यहां पर बुलाया, इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। इंजॉय कर सकते हैं। चार्जेस के बारे में अलग अलग, चार्जेस के बारे में अलग अलग हमने डे वाइज इसको रखा है, मंडे टू फ्राइडे अलग है और सैटरडे संडे अलग है, और चार्जेस का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ आना है, एंजॉय करना है, अपनी सेहत बनानी है और बस एंजॉय करना है। और आप कभी भी आएँ, सबके लिए ये एरिना ओपन है, और बस यही है कि आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं हमसे। थैंक यू। पंडित मंच सारे मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे छोटे भाइयों, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल से। जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट करी थी वो छोटा था, मतलब 8-9 साल का, तब समाज के अंदर खेल को लेके बहुत रुझान इतना था नहीं, लेकिन ये था कि ग्राउंड अवेलेबल होते थे, कि हमारे जितने भी समाज के नौरे थे तो बहुत बच्चे खेलते थे, बट पिछले 7-8 साल से मैंने देखा है कि ना तो बच्चे खेलते हैं ना वो नौरे अवेलेबल हैं उनके खेलने के लिए। जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, कोरोना स्टार्ट हुआ है, तब से एकदम से मार्केट में हो गया कि इम्यूनिटी पावर बनानी चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए, लोग सुबह चलने लग गए, दिन को ये करने लग गए, खाना खाने लग गए, सब अच्छी अच्छी चीज़ें करने लग गए जो हमारा समाज पहले ऑटोमेटिक ही करता था। और रही बात इस खेल की, तो मुझे इस खेल में ऐसा लगता है, जितने साल मैंने इस दिए, 20 साल दे दिए मैंने इस खेल को, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली क्रिकेट की बात करूँ तो
इस खेल को खेलने के लिए बहुत फिजिकली स्ट्रॉन्ग लड़के चाहिए। और हमारा समाज जो उदयपुर शहर जो है वो बहुत गांवों का शहर है, और जहां गांवों का शहर होता है वहां के लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर यहां के लड़कियों को अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अच्छा गाइडेंस मिलेगा, और इतने सारे हमारे लोग हैं और इतनी सारी हमारे पास ज़मीनें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास उनको करवाने के लिए, अगर सारा समाज जुड़ के कुछ करेगा तो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग खेल सकते हैं। क्योंकि जिस लड़के ने ज़िंदगी भर ठाठ बाठ से ज़िंदगी जी है वो कोई स्पोर्ट्स खेल नहीं सकता। और इस अकेडमी की मैं बात करूँ तो ये अकेडमी मतलब यंगस्टर्स के लिए तो ठीक है क्योंकि उनको तो खेलना ही है, लेकिन बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिलता अपने ऑफिस से अपने काम से, तो वो लेट नाइट और कुछ आके कर सकते हैं क्योंकि इधर लाइट्स होगी और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है और बहुत ज़्यादा भागना भी नहीं पड़ता है। तो जो लोग 40 मिनट या एक घंटे की वॉक करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है कि 20 मिनट खेलें, क्योंकि 20 मिनट जो खेला हुआ है वो मेहनत भी नहीं लगती और मज़ा भी आता है, और आपकी जो ट्रेनिंग है और जो आपका उद्देश्य फिटनेस को लेकर वो भी कम्प्लीट हो जाता है। धन्यवाद अशोक जी। जैसा कि हमें आपसे अपेक्षाएं थी कि समाज के और क्षेत्र के विषय में आपकी जो अच्छी एक सोच है और उसी के मद्देनज़र आपकी एक स्पीच थी कि कैसे खेल को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारे बीच अभी भी वकील साहब पधारे, आदरणीय वकील साहब का भी बहुत बहुत स्वागत। पेट्रोल पंप व्यवसाय से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे नंदजी पटेल साहब पधारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं जिनके पथ प्रदर्शन से ही यह सब संभव हो पाया है, कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए कि आज का जो ये नेत्र स्पोर्ट्स एरिना एकेडमी का जो कार्यक्रम है उसके भी अगर मूल रूप से उसकी जड़ देखी जाए तो आदरणीय सेठ साहब ही हैं। संचालन महोदय भुगतीलाल जी जो संचालन कर रहे हैं वो ज़्यादा मेरे बारे में बोल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अपनी मेहनत से आदमी आगे बढ़ता है। आज के जो ये ग्राउंड आपके सामने बनाया है इस पर जो भी मेहमान विराजित हैं सामने, आदरणीय सभी मेहमानों को जय जिनेंद्र, सामने विराजित सभी को जय जिनेंद्र। आदमी जब कमाता है तो सबसे पहले अपने आप को गोती पे खर्च करना चाहिए, दूसरा नंबर नाती का आता है। आदमी पैसे कमा कर अगर संचय करता है तो उस पैसे का उपयोग नहीं होता है। जब आदमी अपनी गोती पे खर्च करता है और गोती अगर उसकी बुराई करता है तो आदमी तरक्की करता है। जब गोती को भूल जाते हो, नाती को दान के रूप में याद किया जाता है, कि जब आदमी अपनी बहन बेटी का ध्यान रखता है और अपने गोती को भूल जाता है तो वो एक भूल को कर रहा है। अपनी जवाबदारी को निभाने के लिए जिस तरह से तुलसीराम जी ने इस ग्राउंड को बनाया, समाज के पास के एरिया में बनाया, समाज के लोग खेलेंगे, गोपाल जी इसका संचालन करेंगे, उनकी पत्नी है, उससे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से भी हो कि बालिकाओं को जोड़ें, और वो ऐसे परिवार से आई है कि उनके पूरा परिवार, उसके पियर का पूरा परिवार लोगों का नेतृत्व करते हैं, तो उसमें भी नेतृत्व की क्षमता है। बच्चियों को आगे लाएं, बच्चियों को पढ़ाएं, बच्चियों का विकास हो, और पूरी समाज को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से महिलाओं पर अपन आधारित हों। जिस तरह से हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप, सारे लोग महिलाओं पे आश्रित थे, और आज ये स्थिति हुई है कि कपड़े पहना कर घूमाते हैं, और उसके बाद उनके द्वारा जो जवाबदारी निभाई जाती थी उस पर शिकायत की जाती है, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। परिवार टूट रहे हैं, परिवार के अंदर भ्रांतियाँ फैल रही है। हालांकि ये समय इस बात को करने का नहीं है, फिर भी मैं ये कहना जरूर चाहूँगा, ये इसमें जिस तरह से बच्चे खेलते हैं, जैसे अशोक जी तैयार हुए हैं, इस तरह से कोई ना कोई लड़की तैयार होनी चाहिए जो इंडिया कप में इन मनेरिया समाज का नाम करे। और दूसरा, इसमें गोपाल की पत्नी जवाबदार होनी चाहिए कि वो यहाँ बच्चियों को खिलाए और एक जवाबदारी को अपनी निभाए। जिस परिवार से वो है वो परिवार की क्षमता यहाँ दिखनी चाहिए, और अपने साथ उन महिलाओं को जोड़े और उन महिलाओं को आगे लाए कि जो इस पुरुष प्रधान देश के अंदर जिस तरह से महिलाओं को पीछे धकेला जा रहा है और जिस तरह से उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आज के दिन। आज मंच पर विराजित मेरा ये भतीजा है डॉक्टर प्रकाश, अशोक जी हैं जो हमारे सामने बड़े हुए हैं, मेरे मित्र के पुत्र हैं, और इनके दादाजी जी भी मेरे साथ थे, और मंच पर विराजित ललित जी जिन्होंने पूरे जीवन अपनी
मैनार समाज के लिए जवाबदारी निभाई परशुराम जी, और सामने विराजित सभी लोग जो जवाबदार हैं उनकी जवाबदारी बनती है कि आज समय इस तरह से आ गया है कि आप अपने साथ अपनी पत्नियों को इन्वॉल्व करो, अपने सारे काम में उनको साथ रखो, परिवार नहीं टूटेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें अपने घर परिवार के लिए बनती हैं। पैसा जो आदमी अपने गोती और नाती पे खर्च करता है वही मर्द है, और पैसा बचे तो अपने गांव पे खर्च करो, और पैसा बचे तो अपने क्षेत्र पे खर्च करो, और पैसा बचे तो इस देश और राष्ट्र के लिए निर्माण में काम आओ। यही एक सुदृढ़ विचार है, और इन विचारों को हमेशा याद रखो। त्याग करना है, त्याग के माध्यम से इस देश में सारी चीज़ें हो सकती है। जिसने त्याग किया, महाराणा सांगा सबसे ज़्यादा लड़े थे, फिर भी सभी लोग महाराणा प्रताप को याद करते हैं क्योंकि उनमें त्याग था। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा, भगतीलाल जी ने बहुत अच्छा संचालन किया, अम्बालाल जी विराजमान है। जय जिनेन्द्र, जय महावीर, धन्यवाद। प्रकाश जी वेलावत साहब से, सॉरी मेरे से चूक हो गई थी बुलवाने में। आदरणीय डॉक्टर साहब मंच पर पधारे। आदरणीय डॉक्टर साहब, बढ़िया होता आप चूक कर देते। सम्मानित मंच, सभी पधारे हुए मेहमान, स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता आई है कोरोना के बाद काफ़ी बड़ी है, फिर भी लोग जो इवनिंग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं उसको थोड़ा तेज करें, थोड़ा पसीना आएगा तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। दूसरी चीज़ ये कि एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से आपके मस्तिष्क के अंदर एक एंडोर्फिन सीक्रेट हार्मोन सीक्रेट होता है, यानी कि हार्मोन बनता है, वो हार्मोन हैप्पी हार्मोन कहलाता है। हैप्पी हार्मोन का मतलब है कि अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं जिसमें थोड़ा तेज चलें आप, तो वो आपको दिन भर खुशी देगा। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अशोक भी ने 20 साल दिए हैं क्रिकेट को, और मैंने 35 साल दिए हैं, उससे ज़्यादा दे दिए होंगे क्रिकेट में, और ये जानता है। मैं आज भी ग्राउंड के अंदर शाम को आता हूँ तो 10-12 चक्कर शिकारबाड़ी के लगाता हूँ, और सुबह में मॉर्निंग क्रिकेट खेलता हूँ। तकरीबन पिछले 4-5 महीनों से मेरा 10 किलोमीटर पर डे का वॉक का सिस्टम है, और मैं अगर सुबह क्रिकेट नहीं खेलता हूँ या मैं सुबह एक्सरसाइज नहीं करता हूँ तो दिन भर मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये मेरे साथ हमेशा होता है, पर जिस दिन मैं खेलता हूँ दिन भर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी फीलिंग आती है कि बहुत कुछ मैंने सुबह सुबह अचीव कर लिया। थोड़ा चलते हैं तो थोड़ा तेज चले, और तेज चल सकते हैं तो थोड़ा रनिंग करने की कोशिश करें, आपका जीवन बदल जाएगा, पूरी तरीके से बदल जाएगा। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।